बुलडोजर की संस्कृति भाजपा ने ही शुरू किया। गरीबों पर जो बुलडोजर चल रहा है उस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। संविधान जब बचेगी, न्याय व्यवस्था बचेगी, तब तो न्याय के लिए आवाज भी उठेगी। होली के बाद बिहार विधानमंडल सत्र का आज दूसरा दिन है और भाकपा माले के विधायक जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जब से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ है, लगातार किसी मुद्दे को लेकर के अपने ही सरकार के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में देखिए तमाम जो विधायक वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हमसे बात करें। बिहार के भीतर 50 साल से सैकड़ों साल से सरकारी जमीनों पर जहाँ गरीब लोग बसे हुए हैं, देख रहे हैं कि बिहार के भीतर भी बिहार के जो अफसर हैं बुलडोजर ले जाकर के उन गरीबों को उजाड़ने के लिए तत्पर हो गए हैं, ढा रहे हैं। ये भाजपा की ही संस्कृति है जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के जरिए गरीबों को उजाड़ा गया, ध्वस्त किया गया और उसे बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया। हम चाहते हैं कि बिहार में सरकार एक कानून बना करके हाई कोर्ट जो हस्तक्षेप करके तोड़वा रहा है उस पर रोक लगावे, गरीब जहां बसे हैं उनको आवास की जमीन दे, उनको पर्चा दे और पूरे बिहार में सरकार सर्वे करवा करके जितने लोग भूमिहीन हैं सबको कम से कम 10 डिसमिल जमीन की व्यवस्था करे। ये सारी मांगे हैं और इन्हीं सबको लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के तरह बिहार में भी अब बुलडोजर चलने लगा है क्या? नहीं, बुलडोजर की संस्कृति भाजपा ने ही शुरू किया और यहाँ भाजपा को जब हम लोग सत्ता से बेदखल कर दिए हैं तो सरकार तो हट गई, भाजपा जो है सत्ता से हट गई है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो संस्कृति अधिकारियों में आज भी मौजूद है। मन मानसिकता से सब भाजपाई अधिकारी हैं जो बुलडोजर चला रहे हैं, इसलिए उस बुलडोजर पर रोक लगना चाहिए। बिहार में मुकम्मल तौर पे भूमि सुधार की जरूरत है। बिहार में जो भी सेलिंग से फाजिल जमीन है, सिकमी है, बटाई है, उन तमाम गरीबों को जिनका इस पर दावा बनता है, हक बनता है, उनको संरक्षण करने की और पूरे तौर पे भूमि सुधार की जरूरत है। साथ ही बिहार में जो है बड़े भूपतियों के द्वारा, बड़े सामंती गुंडों अपराधियों के द्वारा गरीबों की बड़े पैमाने पर बेदखली हो रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कोई भूपति कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने जो गरीब बसा हुआ है वो आम गरीब जरूरत जमीन में है, लोकहित की भूमि में है और वो कोर्ट से आदेश ला करके गरीबों को उजाड़ते हैं और ऐसे में सरकार मुख दर्शक बनी रहती है। तो ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि बिहार में नया वास आवास कानून बनना चाहिए और गरीबों पर जो बुलडोजर चल रहा है उस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए और इसके लिए कानून बने। साथ ही शहरों के लिए भी, शहरों में जो गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है उन गरीबों के आवास को सुरक्षित करने के लिए शहरी आवास जो है वास आवास कानून ये बनना चाहिए। ये आज हम लोग भूमि सुधार का एजेंडा है बिहार विधानसभा में, इस लिहाज से आज हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं और यहाँ सब मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन तमाम चीजों पर वो सोचे। बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना जिस तरह से बढ़ रही है, आप लोग जो है मांग कर रहे हैं, सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई प्रायोजित मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाजपाई आरएसएस कनेक्शन का जांच हो इसमें तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकेंगी और माइनॉरिटी के लोग सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन सत्ता में तो आप लोग ही है ना? हम लोग सपोर्ट में है, सिस्टम हमारे बिल्कुल हाथ में नहीं है। हम लोग समर्थन कर रहे हैं, समर्थन में है। समर्थन क्यों किए हैं ना, ये लोकतंत्र है। संविधान जब बचेगी, न्याय व्यवस्था बचेगी, तब तो न्याय के लिए आवाज भी उठेगी, तब तो लोकतांत्रिक आवाजें और आंदोलन भी होंगी, उसका सुरक्षा और सम्मान भी होगा। तो इसलिए हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। क्या लग रहा है सदन के अंदर भी आवाज उठाएंगे? सदन के अंदर बिल्कुल आवाज उठेगा और हम लोग पीड़ित बच्चियों से भी मिलने का काम करेंगे। हम लोग वहाँ कार्रवाई होगी, लग रहा है कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो होनी ही है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ भाकपा माले के तमाम विधायक थे, वो कहते नजर आ रहे जिस तरह से बेगूसराय में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है वहीं पे जमीन को लेकर के भी इन्होंने हल्ला बोल किया है और कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको 10 डेसिमिल कम से कम जमीन मिलनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।